ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि आप लोग को यहाँ पर ग्रेप वाइन जो पढ़ना है, ठीक है, उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्रेप वाइन है क्या, ठीक है। यस, नाउ आई एम ऑडिबल। यस, सो एज आई वाज टेलिंग, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो है आपका, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आपका होता है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मली और अनऑफिशियली, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका किसी भी फॉर्मल चीज से रिलेटेड, यानी कि काम की चीज से रिलेटेड हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है। आपकी क्या पोजीशन है, मीन्स द पोजीशन और द अथॉरिटेटिव पोजीशन ऑफ अ सेंडर डज नॉट मैटर, ठीक है। और आपका जो रिसीवर का है, रिसीवर का भी पोजीशन मैटर नहीं करता है, अंडरस्टूड। तो आपका जो भी यहाँ पोजीशन है, जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन आपने एक्वायर की है, या आपका रिसीवर जो है वो किस पोजीशन पे रहता है, आप जूनियर हैं, आप सीनियर हैं, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, या किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, दैट इज नॉट अ मैटर टू बी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। कम्युनिकेशन बेसिकली यहाँ पर बस इनफॉर्मली होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और किसी आईटी डिपार्टमेंट के एक मेंबर के साथ आप बैठ के लंच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन होगा, बेसिकली आप पूरी तरह उसको कम्युनिकेशन में ये नहीं बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं, या वो ये नहीं समझाएगा कि वो क्या काम करता है। बेसिकली इट विल बी अ समथिंग दैट माइट बी रिलेटेड टू योर ऑफिस, बट नथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वहां पर उसके साथ बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कोई उसके सैलरी से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर एन एचआर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये सारी चीजें जो एक्चुअल में उसके काम की है या आपके काम की है, इससे रिलेटेड नहीं हो रहा है। बेसिक थिंग्स हो सकता है कि आपका क्या इश्यू हो रहा है, अगर कोई, या उसका कोई इश्यू हो रहा है, या एनीथिंग रिलेटेड टू योर एनी इश्यूज और एनी नॉर्मल डे वर्किंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, बट वहां पर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर बातें होंगी, तो आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में आपको प्रेजेंटेशन अगर देना है, तो प्रेजेंटेशन में क्या आपको देना है, वो सारी चीजें आप नहीं बताएंगे उसे, ठीक है। बेसिक कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। आपका हो सकता है कि टाइमिंग के ऊपर रिलेटेड कोई टॉपिक हो, उस पर बात कर रहे हो, तो बेसिक कम्युनिकेशन आपका यही होगा कि आप किसी भी एक नॉर्मल टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, नथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, ना आपके काम से ना उसके काम से कोई पर्टिकुलर बातें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। मीटिंग नहीं हो रही है, जस्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, बेसिक बातें, बातचीत जो होती है आपकी इनफॉर्मली किसी भी मेंबर से, ठीक है। उस तरह का रिलेशनशिप बिल्डिंग एक तरह से आप कह सकते हैं, एक दूसरे से बस फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रहे हैं, ताकि वहां पर बैठे हैं साथ में इसी वजह से, या हो सकता है कि फ्रेंडशिप हो गई हो, बहुत दिन से साथ में एक दूसरे के साथ आ जा रहे हो, या फिर हमेशा लंच में साथ बैठते हैं, तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एडवांटेजेस हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के, ठीक है। क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, लास्ट में। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन पे आते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो होता है, उसमें
कोई भी हो सकता है, सेम रैंक का हो या फिर अन लाइक कम्युनिकेशन इंक्लूड अनऑफिशियल एंड क्विक कॉन्वर्सेशन अमंग एम्प्लॉयज ऑफ सेम रैंक. ठीक है, सेम रैंक क्यों यहाँ लिखा गया है? ठीक है, सेम रैंक इसलिए लिखा गया है क्योंकि बेसिकली अगर आप अनऑफिशियली बात करते हैं तो आप, हो सकता है कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपका कोई अगर मान लीजिए ठीक है, तो वो नॉर्मल टीम मेंबर्स के लिए ऐसा देखा जाता है कि जो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं वो सेम रैंक्स में ही रिवॉल्व करते हैं. बेसिक में यही लिखा जाता है कि आपका सेम रैंक का कम्युनिकेशन होता है, अनऑफिशियल होता है और क्विक कॉन्वर्सेशन होता है, मतलब बहुत लंबी बातें नहीं, थोड़ा बहुत एक मिनट, दो मिनट, दस मिनट मुश्किल से आपने बात कर लिया उस टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, तो चार तरह के आपके बेसिक कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं. पहला होता है आपका सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड चेन कम्युनिकेशन, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ए से ई तक सेम कम्युनिकेशन जा रहा है. ठीक है, मतलब क्या कि ए ने कुछ बी से कहा, फिर वही जो मैसेज है वो बी सी को भेजेगा, सी ने वही सेम मैसेज डी को भेजा और डी ने वही सेम मैसेज ए को भेजा, इस तरह का कम्युनिकेशन होगा. और ये आपका लैटरल है, ये आपका लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है. ठीक है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड जो होता है ये अपवर्ड डाउनवर्ड भी जाता है. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन अपवर्ड डाउनवर्ड भी जाता है. इट डजंट मीन कि यहाँ पर सिर्फ इमेज में यही दिखा रहा है तो इसी तरह से जाएगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है. बोथ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्ट्रैंड चेन. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड चेन क्या होता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है. हैरी पॉटर की अगर आपने मूवी देखी है तो वहां पर एक सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल था, जहां पर रेनॉल्ड वीटली को बताना होता है कि हैरी पॉटर को हैग्रिड बुला रहा है या उससे मिलना चाहिए करके. तो वो बहुत लंबा चेन करके, ठीक है, वो आपने वो अगर मूवी का पैराग्राफ सुना होगा तो हरमाइनी उससे बोलने चाहती है कि टीम ने कहा पार्वती से कि हैग्रिड आपसे मिलना, तुमसे मिलना चाहता है, इस तरह का बहुत लंबा लाइन होता है. तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, प्लेफुल एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन का. लाइक इफ यू आर कम्युनिकेटिंग द सेम मैसेज थ्रू अ सिंगल चेन, मतलब ए से बी को गया, बी से सी को गया. ठीक है, और ये अपवर्ड डाउनवर्ड यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ केसेस में होता है. The message is passed on from one person to another until the information reaches to the all the concerned people. ठीक है, सारे concerned person को वो message चला जाए. मान लीजिए कि अगर आपके communication में ऐसा कुछ बोला, sorry, कोई company में ऐसा हो रहा है कि company अच्छा नहीं चल रही है, तो वहाँ पर किसी कुछ लोगों को उन्हें निकालना पड़ेगा. तो किन्हें निकालना पड़ेगा, ये message जब communicate होता है, पहले कुछ लोग निकाले जाएंगे, ये मैसेज कम्युनिकेट आपके हर एक मेंबर को कंसर्न करता है, तो हर एक मेंबर तक ये बातें जाएंगी. ठीक है, वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, ये मेंबर, ये जो मैसेज है ये हर एक मेंबर को कम्युनिकेट होगा कि देयर माइट बी सम ले ऑफ इन दिस सीजन. ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या कम्युनिकेट होगा कि अगर मान लीजिए किसी को पता होगा कि, अगर मान लीजिए किसी को पता होगा कि क्या यहाँ पर क्या आ, 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 किन लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है, तो वो कंसर्न्ड पीपल तक जब तक ये मैसेज नहीं चला जाता है तब तक ये कम्युनिकेशन चलेगा, चेन चलेगा. राइट, मान लीजिए कि ई पर्सन जो यहाँ पर है, ठीक है, आपके इमेज पे यहाँ जो ई पर्सन है, इस पर्सन को निकाला जाना है. ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है ये अच्छा काम ना करता हो, ये हो सकता है कि ये बहुत ही जूनियर, ये नया मेंबर हो, तो इसे निकालना आसान है करके इसे निकाला जा रहा है. तो ए ने बी तक ये मैसेज पहुंचाया कि हो सकता है कि ई को निकाल दिया जाए, बी ने सी तक ये मैसेज पहुंचाया, सी ने डी तक ये मैसेज पहुंचाया, डी ने जो क्या है ई को ये बता दिया कि हो सकता है कि तुम्हें निकाला जा सकता है. तो डी क्या करेगा, डी किसी और को बताने की बजाय या तो वो डायरेक्टली अथॉरिटी से बात करेगा कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दिया जाए डायरेक्टली, या फिर जब तक वो कुछ एक्शन लेगा उसे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको निकाला जा रहा है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके जाकर
जिसको कंसर्न मेंबर हैं उनको जाकर मैसेज जो है आपका आपका कम्युनिकेशन ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ फीडबैक नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में आपका फीडबैक नहीं मिल रहा है आपको, वट एवर कम्युनिकेटिंग यहाँ पर ए ने जो कम्युनिकेशन चेन स्टार्ट किया बिकॉज इट इज अ चेन, और इवन इफ इट इज अ कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि ए टू बी अगर कम्युनिकेट हुआ तो बी ने कुछ यहाँ पर फीडबैक भेजा हो, उसने फीडबैक नहीं भेजा, देर इज नो फीडबैक और देर इज नो एक्शन टेकन केयर ऑफ। ठीक है, ए ने बी को निकालने नहीं बोला था ई को, उसने सिर्फ इतना बोला था कि हो सकता है ई को निकाला जा सकता है, सो देर इज नो फीडबैक और एनी एक्शन टेकन फ्रॉम द मैसेज गिवन टू वन पार्टी टू द अदर पार्टी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंड चेन कम्युनिकेशन आपका इस तरह होता है। ठीक है, वन पर्सन टू अनदर आपका ये जाएगा, इट्स अ सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद योर कलीग, मोर पीपल दैट आर इन्वॉल्व द मोर फिल्टरिंग देयर इज, यानी कि जितने लोग जो हैं उतने इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज्यादा आपका मैसेज फिल्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैसेज है हो सकता है कि यहाँ पर ए ने जो है ए ने पांच लोगों के नाम दिए। ठीक है, ए ने पांच लोगों के नाम बोले कि हो सकता है, या फिर उससे कहा कि जो नए इंटर्न्स हैं उनमें से किसी को निकाला जाए। अब हो सकता है कि 20 या 25 इंटर्न्स नए ज्वाइन किए हो, तो उसमें जरूरी नहीं है कि ई का नाम आएगा ही आएगा, बट यहाँ पर मैसेज क्या था, मैसेज ये था कि जितने नए इंटर्न हैं उनमें से किसी न किसी को निकाला जाए। बी इस मैसेज को जब पास ऑन किया सी तक, तो हो सकता है उसे कहा कि हमारे ब्रांच में से जितने नए इंटर्न्स हैं वो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, सी ने जब डी को ये पास ऑन किया तो उसे लगा कि हमारे टीम में से जो नया निकाला जा सकता है, हमारे टीम का नया इंटर्न कौन है, ई है, तो ई को ये मैसेज आएगा कि तुम्हें हो सकता है निकाला जा, यानी कि मैसेज है ये फिल्टर होते जा रहा है जो है। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है, इंटेंशन भी हो सकता है कि चेंज हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ जो है वो चेंज हो सकता है। यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा कि जो रूमर्स होते हैं, रूमर्स इसी तरह फैलते हैं, रूमर्स का मतलब क्या होता है, वो चीजें जिनका कोई बेसिक प्रूफ ना हो, लेकिन रूमर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं होता है कि कोई ना कोई रूमर्स तो सही होता है। ऐसा हो सकता है कि 10 रूमर्स अगर फैल रहे हैं कंपनी में, तो 10 में से कम 5 या करीब करीब 6 जो रूमर्स होते हैं वो कहीं कहीं सच होते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि रूमर्स जो फैलते हैं उसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स नहीं होने के कारण वहां पर रूमर्स कहलाए जाते हैं वो। तो रूमर्स फैला ये कि जितने नए इंटर्न्स हैं उनको हो सकता है उनमें से कुछ को निकाला जाए, और ई तक मैसेज क्या पहुंचा कि तुम्हें हो सकता है निकाला जाए। ठीक है, तो इस तरह आपका जितने नंबर ऑफ पीपल यहाँ रहेंगे चेन के बीच में उतना फिल्टरेशन होगा आपका मैसेज, अंडरस्टूड, क्योंकि जितने लोग हैं उतने वो अपने तरीके से वो बातें बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि उनको सही मैसेज मिला हो, उसके बाद भी जो वो मैसेज पास ऑन करेंगे उसमें अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन तो डालेंगे, तो अपना ओपिनियन डालने की वजह से वो मैसेज जो है वो फिल्टर होता, अंडरस्टूड। जरूरी नहीं है कि हमने जो समझा आज के ऊपर जो भी गलत है, होता है आपने मैसेज रिपीट किया है लेकिन फिर अपना ओपिनियन ऐड करने की वजह से वहां पर मैसेज जो है वो फिल्टर हो गया, अंडरस्टूड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, सिंगल स्ट्रैंड चेन समझ में आ गया, किसी को डाउट है आई एम गिविंग 1 मिनट, जस्ट टेक योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सिंगल स्ट्रैंड चेन से अगर किसी को भी कोई डाउट है अभी रेज करो हैंड। ओके, सो सिंस नो रिस्पॉन्स इज कमिंग आई एम गेटिंग कि आपको ये चीज समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट है गॉसिप चेन। ठीक है, गॉसिप चेन का मतलब होता है गॉसिप चेन ये कहता है कि एक यानी कि एक पर्सन है जो सेंटर में रहता है और वो चार लोगों तक वो बातें पहुंचाता है, या हो सकता है चार हो पांच हो कितने भी आपके यहाँ पर मेंबर हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इफ आई शो यू द इमेज, यहाँ पर अगर मैं इमेज आपको दिखाऊं,
So let me share this with you. ठीक है, ये हमने शेयर करके एक बार बताती हूँ आपको कि गॉसिप का जो इमेज होता है वो किस तरह दिखता है. ठीक है, ठीक है. गॉसिप का इमेज होता है, गॉसिप में होता क्या है कि कुछ कितने नंबर ऑफ पीपल वहाँ कम्युनिकेट किए जा रहे हैं ये आपको नहीं पता. ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है और सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई एक पर्सन है वो कम्युनिकेट कर रहा है. अंडरस्टूड? यस. ओके, तो ये आपको दिखता है ये चेन, तो ये गॉसिप चेन कहलाता है. ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड गॉसिप चेन. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट जो है वो एपिसेंटर है, यानी कि यहाँ पर एक पर्सन जो है सिर्फ यही जो गॉसिप है वो फैलाएगा, जो मतलब एक कोई रूमर है या फिर कोई भी बात है. ठीक है, मतलब इस एक पर्सन को पता चला या इसी एक पर्सन को पता है कि कुछ लोग जो हैं उन्हें ऑफिस से निकाला जा सकता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंपनी इज नॉट वर्किंग वेल. ठीक है, उस रीजन से यहाँ पर इस बंदे को पता है, किसी भी रीजन से पता है, बट पता है कि इन लोगों को ऑफिस से निकाला जा सकता है. तो ये आर को भी बता रहा है, ये ए को भी बता रहा है, ये एफ को भी बता रहा है, ये सी को भी बता रहा है और ये डी को भी बता रहा है. ठीक है, यही सेम पर्सन इन सभी लोगों को बता रहा है. अब ये सभी लोग क्या हो सकता है कि ये सभी लोग भी किसी और को बता रहे हो. ठीक है, तो जब ए जो है, ठीक है, जब ए है वो चार लोगों को बताएगा, ठीक है, तो ए एपिसेंटर पे आ जाएगा. ठीक है, ए जो है वो एपिसेंटर पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर एक झुंड में, ठीक है, जैसे एक झुंड बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें एक एपिसेंटर रहता है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट है, ठीक है, मान लीजिए ये बी है, तो बी ने क्या किया, बी ने ए को भी बताया, सी को भी बताया, डी को भी बताया, एफ को भी बताया, आर को भी बताया. अब ये चारों पांचों जो लोग हैं ये अपना अलग अलग रास्ते चले गए. अब ए जो है उसे चार लोग मिले और उन्हें ए ने उस चार लोगों को बताया, तो वहां पर ए जो है वो एपिसेंटर हो जाएगा, यानी कि वो बंदा पर्सन बन जाएगा जो चार लोगों को बता रहा है. तो इस तरह ग्रुप में जब आपके जो इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तब आपका ये जो टाइप ऑफ ग्रेपवाइन होगा तब ये गॉसिप चेन कहलाएगा. ठीक है, एक तरह से चेन्स ही होते हैं ये, बट एक साथ जुड़े नहीं होते हैं. ठीक है, लाइक अगर बी ने ए को बताया तो वो ए डायरेक्टली किसी एक पर्सन को ट्रांसफर करेगा ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन जो ए से बी गया तो बी ने एंड कर दिया, हो सकता है कि बी ऐसा पर्सन नहीं हो जो गॉसिप करता हो, तो हो सकता है कि वहां पर वो कम्युनिकेशन एंड हो गया. हो सकता है कि आर इतना बड़ा गॉसिप हो कि वो एक साथ एक ही दिन में 20-25 लोगों को बता दे. ठीक है, तो उसका ग्रुप चेन बड़ा हो जाएगा, उसका गॉसिप चेन बहुत बड़ा हो जाएगा. एफ अगेन ऐसा पर्सन है जो सिर्फ एक ही बंदे को बता रहा है, तो उसका सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं वो ग्रुप ही है, उसका गॉसिप चेन भी है लेकिन एक ही मेंबर है उसमें. डी अगेन ऐसा पर्सन है जो कि कम्युनिकेट नहीं करता है ये सारी बातें किसी और से, या हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेंबर को शेयर करता है, ऑफिस में किसी के साथ ये बातें शेयर नहीं करता है, तो उसका भी ग्रुप चेन जो है वहीं पर एंड हो जाएगा. सी जो है वो ये बात किसी और 10 लोगों को बता देता है. ठीक है, हो सकता है कि सी यहाँ सेम डिपार्टमेंट का नहीं है, वो अपने डिपार्टमेंट के 4 लोगों को बता देता है, तो उसका अलग ग्रुप चेन हो जाएगा जहाँ पर सी एपिसेंटर हो जाएगा. यानी कि एपिसेंटर का मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने हो सकता है एक ही साथ चारों को बताया या एक एक करके उन चारों को बताया, लेकिन एक ही पर्सन वो ये इंफॉर्मेशन पास ऑन की. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. अगर कोई डाउट है जस्ट आस्क मी इन द चैट बॉक्स. सॉल्यूशन आपका इतना ही है कि कोई एक पर्सन जो है वो एक साथ या तो नंबर ऑफ पीपल को बताएगा, या फिर वही एक पर्सन ए को भी कम्युनिकेट कर रहा है, वही एक पर्सन सी को भी कम्युनिकेट कर रहा है, वही एक पर्सन डी को भी कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब एक पर्सन ही वो बात जो है, वो मैसेज जो है वो तरह तरह लोगों को या नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. इसमें इससे ज्यादा समझाने के लिए और कुछ नहीं है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेन का क्या मतलब होता है, लेट मी टेल यू.
यस सत्यम, कोई प्रॉब्लम है बच्चे? यस मैम। मैम आपने अभी ये पिछले क्लास में बताया था कि ग्रेट पॉइंट कम्युनिकेशन में ग्रेट पॉइंट कम्युनिकेशन सिर्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो अगर कोई बंदा फैमिली या फिर और किसी भाई बच्चे के साथ गॉसिप करता है या कम्युनिकेशन करता है तो वो ग्रेट पॉइंट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, मतलब वो तो नहीं होगा ना, फिर वो तो ग्रेट पॉइंट चलाएगा या नहीं? नहीं, वो ग्रेपवाइन के अंदर नहीं आएगा। ग्रेपवाइन में देखिए, चाहे आपका कोई भी कम्युनिकेशन आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टाइप का आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, वो सारा चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है, ठीक है? आप चाहे फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है। फॉर्मल मतलब यही कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट फाइल चाहिए आज शाम तक, तो मैंने वो कम्युनिकेट कर दिया अपने सबॉर्डिनेट को कि मुझे शाम तक ये फाइल चाहिए। दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है कि भी हुआ है, किसी और टीचर का भी विजिट होता है, तो मैं उसके साथ में बोल दूंगी कि सर या मैम आपके साथ यहाँ तक चल जाएं, फिर आप वहां से अपने रस्ते, फिर हम अपने रस्ते चल जाएंगे, ठीक है? मतलब एक तरह से यहाँ कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली अपने काम से रिलेटेड नहीं हो रहा है, तब वो इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो सब्जेक्ट में, मतलब जितना भी कम्युनिकेशन का टाइप होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपको यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और ग्रेपवाइन एक तरह का गॉसिप होता है, गॉसिप या कोई भी तरह का आपका रूमर्स वगैरह जो होते हैं वो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है? तो इसी टाइप का आपका बेसिक कम्युनिकेशन रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी अगेन, ठीक है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, इफ यू आर अंडरस्टूड, एनीवन एल्स? यस सतीश मैम, तो अभी आपने बताया था कि वो जैसे एग्जांपल दिया था सबका, उसमें डी ने अपने फैमिली मेंबर से बात की थी, तो वो मतलब जो फैमिली मेंबर से बात की वो चेन जो है मतलब ग्रेपवाइन में आएगा या नहीं आएगा बच्चे? वही तो मैं कह रही हूँ कि वहां पर उसका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एंड कर जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसने अपने फैमिली मेंबर से कम्युनिकेट किया, तो उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो वहां पर एंड कर जाएगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी चेन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेन इज समवॉट सिमिलर टू योर यू कैन से आपका ग्रेपवाइन जो चेन होता है, सॉरी जो आपका गॉसिप चेन होता है उससे थोड़ा सा सिमिलर रहता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेन में आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी चेन में ये रहता है कि एक से ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो ए है, ठीक है, ए अगर किसी और को बताता है, ठीक है, और तो उस टाइम वो चेन जो होगा यहाँ से डिटैच हो जाए ये जरूरी नहीं है, वो आपका प्रोबेबिलिटी चेन में आ जाएगा जहां पर डिटैचमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, एक ही साथ आपका फ्लो करते जा रहा है, तो वहां पर आपका प्रोबेबिलिटी चेन वहां पर आ जाएगा, ठीक है? लेट मी शो यू विद एन इमेज, ठीक है? इमेज के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आपका क्या रहता है। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी चेन, मतलब मान लीजिए कि एफ से अगर स्टार्ट हुआ या किसी से भी स्टार्ट हुआ, तो एफ ने जी को भी बताया, फिर जी ने चार लोगों को बता दिया, फिर आई एच जे भी है उन्होंने भी बता दिया, मतलब एक तरह से ये फैलता जा रहा है, ठीक है? कि मतलब यहाँ क्या था गॉसिप चेन में, क्या था कि एक ही बंदा चार पांच लोगों को बता रहा था, फिर ए ने किसको बताया, इससे कोई मतलब नहीं है गॉसिप चेन को, लेकिन प्रोबेबिलिटी चेन को इससे मतलब है। यानी कि रैंडमली किसी के साथ वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, के साथ शेयर हो सकता है किसी के लोग को
बताएगा, बी को बताएगा, ए ने को बताया, को बताया, बी को बताया, एफ सी ने. यहाँ पर ए ने बी को शेयर कर दिया. का दस गिवने में आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन. ओके यहाँ पे देख, ए को एफ जी को शेयर कर दिया, लेकिन ई ने किसी को शेयर किया. ये जब मतलब क्या होता है कि क्या है तो शेयर कर सकते, नहीं पता कि एच तक की बात पहुंच गई है, लेकिन जी को पता है कि मैंने एच को बताया, ठीक है, लेकिन किसी भी चेन के थ्रू कैसे भी वहां पर एच तक की बात पहुंच रही है, ठीक है. तो रैंडमली किसी को भी कोई भी बात कोई भी बता सकता है, ठीक है, और यही पैटर्न आपका चलते जाता है. हो सकता है कि यहाँ पर आई के जो है बताए और एच चार लोगों और को बता दे, फिर वो चार लोग किसी और को बताएं, कोई एक नहीं बता रहा है, उन चारों में से भी कोई एक दो होगा जो किसी को नहीं बताए, लेकिन बाकी जो दो होंगे या कोई एक होगा जो चार और लोग को बता दें, तो इस तरह रैंडमली किसी को भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती जाती है, ठीक है. इतना क्लियर हुआ? यस सत्यम. मैम अभी आपने कहा कि मतलब रैंडमली किसी को भी कोई भी कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ बोल सकता है, बात कर सकता है, तो मैम ऐसा हुआ कि कोई इनफॉर्मल बात जो ए ने बी को बताई, वो मतलब अपना पर्सन को समझ के, अपना फ्रेंड समझ के बताया उसने, अब वो ऐसा सोचता है कि अभी उसको किसी को नहीं बताया, तो मैम ये तो पॉसिबल हो जाएगा ना कि जो बी किसी और को बता दे जो ए को पसंद ना हो, कुछ पसंद हो. पॉसिबल है, लेकिन ये अनएथिकल होना चाहिए, ठीक है. पहली बात तो आपको किसी को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी एक तरह का अनएथिकल रिस्पॉन्स है. अगर कोई बंदा आपसे ट्रस्ट करके आप शेयर कर भी रहा है इन्फॉर्मेशन और किसी और को पास है, तो ये अनएथिकल इंफॉर्मेशन है आपका, ठीक है. बट दोनों में ही कोई इशू नहीं है. अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा रियलिटी में होता है, इसी वजह से यहाँ पर बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए ने जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की, ठीक है, हो सकता है कि ए का अगर कोई पर्सनल इशू है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई ये उसका पर्सनल ग्रुप है, उसको पता है कि ये सारे लोग जो है मेरे फ्रेंड है, तो उसने बता दिया. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सी ने डी को भी बता दिया और एफ ने जी को भी बता दिया. अब ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होते जा रहा है, ये कंसेंट नहीं लेने आ रहा है कोई कि ए ने कोई कंसेंट दिया है. मतलब एक एक तरीका ये हो सकता है कि ए ने ऐसा नहीं बोला हो कि तुम किसी को बताओ मत, ठीक है, या फिर अगर बोला हो उसके बाद भी ये इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, अनएथिकल है, बट स्टिल यहाँ पर ग्रुप गॉसिप से इस तरीके से आपका जो ए चाहता है बता दी, ठीक है, बी को बता दी, सी को बता दी, ई को बता दी, एफ को बता दी. अब वहां पर ये बात आ जाती है कि वो बच्चे वो चीज जो तुमने लिखी है यहाँ पर, कौन स्टूडेंट है रोहित, बच्चे जो आपने लिखा है वही इंफॉर्मेशन सबने हो रही है, ठीक है, ही सेम इंफॉर्मेशन. रूमर जो है या गॉसिप जो है वही सेम इंफॉर्मेशन सब पास ऑन हो रहा है. किस तरीके से पास ऑन हो रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पर अलग अलग पैटर्न के ऊपर हमने टाइप ऑफ बना दिया. इंफॉर्मेशन जो है कि वो ए जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन उसने इन सारों को बता दी. सी ने डी को बता दी, एफ ने एच को, जी को बता दी, एच को बता दी, जी ने एच आई जे को बता दिया. मतलब ये इंफॉर्मेशन
फिर वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए थी, बट किसी रीजन की वजह से यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मतलब आपके काम से रिलेटेड नहीं है, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। यस सचिन, कि आपने बताया कि मतलब इसमें ये पहले जो आपने बताया जितने भी रेफरेंस जो बताया आपने पहले जो दोनों रेफरेंस बताए उसमें एक और एक का इन्फॉर्मेशन किस किस को पास ऑन हो रहा है एक को पता है ये आई राइट ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको पता है कि किसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई है। ठीक है, पिछले रेसिपिएंट को पता हो, ठीक है, जैसे यहाँ सिंगल में ए को पता नहीं है कि बी को किसने पास ऑन की ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बस ए ने बी तक ये ट्रांसफर कर दिया ये मैसेज कि जो नए इंटर्न को नॉलेज है। बी ने ये इन्फॉर्मेशन सी को पास ऑन कर दी कि हो सकता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट में नए इंटर्न आए हैं उनको निकाल दिया जाए। सी ने ये डी को पास ऑन कर दिया कि तुम्हारे टीम में से जो नया इंटर्न आया हो सकता है उसे निकाल दिया जाए, और डी ने ये ई को पास ऑन कर दिया कि तुम्हें हो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। ए को नहीं पता है कि डी तक ई तक ये बात पहुंच गई है। ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्टली जाके ए से पूछे कि सर अगर ऐसा कुछ बात है तो मुझे बताइए, ओनली देन ही विल नो, अदरवाइज दे विल नॉट नो कि यहाँ पर जो उसका चेन है ये आपका वो कम कर, क्योंकि तो उसे नहीं पता है जिससे उसने किया उसने किसको पास यहाँ पे मैं बी कितने लोगों को बताया, आर ने कितने लोगों को बताया, एफ ने कितने लोगों को बताया, उससे से इतना पता है कि इन पांचों को उसने ही बताया है। कोई इन्फॉर्मेशन और किसने पास किया है उसको बस ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना था, तो उसने अगर बता तो बताना था। ठीक है, तो सेम यहाँ पर जो बिल्कुल एग्जाम्पल है, हाँ, तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चेन में क्या हो रहा है कि ए को नहीं पता है कि एक्स तक की इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रैंडमली किसी के बीच पास जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी है कि एक्स तक की इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। ठीक है, लास्ट आपका क्लस्टर चेन है। अभी तक अगर कुछ भी पढ़ाया उसमें डाउट हो रहा है देन लेट मी जस्ट, ठीक है, क्लस्टर चेन क्या होता है? क्लस्टर चेन मतलब आप तो समझ सकते हैं इस चीज से, क्लस्टर चेन आपका होता है, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। क्लस्टर चेन का मैं अगर एग्जांपल आपको दिखाऊं, एक इमेज मैं दिखा देती हूँ क्लस्टर चेन का भी, ताकि आप समझ जाएं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ठीक है, तो फिर हम लोग तुरंत इसको खत्म कर लेंगे, आज ग्रेपवाइन जो है खत्म हो जाएगा, अदरवाइज जो भी डाउट आपको जो भी है समझ। ओके, क्लस्टर चेन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक चेन सिस्टम, मतलब चेन की तरह यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो पास ऑन किया जा रहा है। ठीक है, चेन की तरह मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोगों को वहां पर कम्युनिकेशन आ रहा है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर पांच लोग ग्रुप नॉमिनेशन पांच पर्टिकुलेट कर रहे हैं, आपको पता है इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है क्लस्टर चेन का, एक आइस बकेट चैलेंज कुछ साल पहले कुछ लोगों ने निकाला था। यस आदित्य, मैम इसका पीडीएफ भेजिए ना। यस बच्चे, पीडीएफ तो मैं भेजूंगी, उसी के लिए तो मैं इतना बता ठीक रही है हूँ मैम आपको, क्योंकि लिख नहीं रहा ये है। पीडीएफ मैंने हाँ ठीक है, पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। यस, तो यहाँ पर आपका जो आ, 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 एक रियल लाइफ एग्जांपल है आपका ये क्लस्टर चेन का, आइस बकेट चैलेंज, एक चैलेंज निकाला था किसी एक
पर्सन ने सोशल मीडिया पे, ठीक है, ये इसलिए नहीं यहाँ पर एक नाम लेकर, ठीक है, आना होता था, ठीक है, एंड यू हैव टू डोनेट सम मनी फॉर द कैंसर पेशेंट, ठीक है, कैंसर के लिए या किसी एक बहुत बड़े, आई एम नॉट श्योर विच कैंसर, ठीक है, या फिर शायद किसी और एक बहुत बड़े बीमारी के लिए या एक कुछ बीमारी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने थे. तो उस केस में यहाँ पर आइस बकेट चैलेंज दिया गया था, सभी सेलेब्स ने भी, बहुत सारे सेलेब्स ने भी ये किया था, ठीक है. तो आइस बकेट चैलेंज में हुआ क्या था कि एक क्लस्टर चेन फॉर्म हो गया था, यानी ऐसे फॉर्म हो गया था, एक बंदे ने, जैसे यहाँ पर क्लस्टर चेन है, ठीक है, एफ और ई ने ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की कि हो सकता है उन्होंने ये बताया बी ने ट्वीट कर लिया हो या नहीं किया हो, लेकिन किसी और का नाम नहीं लिया बैलेंस शीट, ठीक है. वन मिनट उसके बाद जाऊंगी. डी ने क्या किया, उसके बाद क्या किया, इन्हें अभी यहाँ पर चैलेंज कंप्लीट करके तीन लोगों ने किया. इसका और एक एग्जांपल है, जैसे आपने सलमान खान की वो मूवी देखी होगी, उसमें अगर आप उसे थैंक यू बोलने की बजाय, चेन का एग्जांपल है, क्लस्टर मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना. तो क्लस्टर चेन मतलब का क्या, कि आप इकट्ठा तीन लोगों, तीन हेल्प करेंगे, इन क्लस्टर्स, ठीक है, इकट्ठा ये लोग झुंड में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. क्लस्टर चेन का ये होता है कि जो मान लीजिए कि कोई एशिया, ठीक है, वो पास ऑन करनी है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, पर रैंडमली किसी को भी ट्रांसफर किए जा रहे थे, ठीक है, ए को पता कि इसने ए ने चार किया, जी ने तीन को, पैटर्न ही बन रहा था, राइट. यहाँ पर क्या हो रहा था कि ए कर रहा था, ठीक है, प्लस क्या होता है कि ए क्या किया, तीन लोगों को कम्युनिकेट, फिर सी ने क्या किया, फिर तीन लोगों को कम्युनिकेट, यहाँ पर से बन नहीं पा रहा है, कि बहुत बड़ा इमेज बनना अकॉर्डिंग टू द रूल पैटर्न, कि जितने लोग को ए डी जो है भी तीन लोगों, ठीक है, अगेन उसके आगे वाले जो चेन में तीन लोग होंगे, बी सी डी के जो तीन पर्सन होंगे, तीन तीन पर्सन होंगे जिसने उन्होंने कम्युनिकेट किया. लेट मी शो यू अंदर इमेज जो बेटर आपको बता पाए कि क्लस्टर में बच्चे होता यही है कि जितने नंबर ऑफ पीपल कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है,
वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको जयहो का एग्जाम्पल दिया, उसमें क्या एग्जाम्पल था कि उसने 3 लोगों का हेल्प किया, तो आगे जाके उन्होंने भी 3 लोगों का हेल्प किया, ठीक है, लाइक इन अ क्लस्टर वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ए ने 3 ही लोगों को कम्युनिकेट किया, तो सी ने भी 3 ही लोगों को कम्युनिकेट किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 लोगों को कम्युनिकेट करना कंपलसरी है, बट इस तरह का जब क्लस्टर फॉर्म करता है तब हम उसे क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन और क्लस्टर चेन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। रिले रेस का यहाँ पर एक वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है, रिले का, रिले रेस जैसे हमारी होती है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को रिले देता है, फिर उसके बाद वो पर्सन दौड़ना शुरू करता है, मतलब रिले मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड चेन सोच था, तो ए बी से ही कम्युनिकेट कर रहा, पर क्लस्टर में क्या हो, ऑलरेडी 3 लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, फिर बी जो है वो भी 3 लोगों से कम्युनिकेट करेगा, और जो भी अलग जो भी और 2 पर्सन है जिसने ए से कम्युनिकेट किया वो भी 3 लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब 5 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, मतलब बस एक पैटर्न बन रहा है कि क्लस्टर बनते जा रहा है। जैसे आपका ग्रेप का जो शेप होता है ना, वो शेप फॉर्म एक्चुअल में यहीं पर क्लस्टर में दिखाया जाता है, ठीक है। लेट मी शो इमेज, पर जो एक्चुअल आपका ग्रेप का जो इमेज होता है वो क्लस्टर में ही फॉर्म होता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर जो ग्रेप जब आप बनाते हो बचपन में, कभी आपने ग्रेप बनाया होगा, 4 ओवर लगते थे, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 1, इस तरह का कम्युनिकेशन आपका, मतलब इस तरह का आपके ग्रेप का शेप रहता था, तो उसी टाइप का आपका कम्युनिकेशन क्लस्टर में फॉर्म होगा, ठीक है। एक है वो 4 लोग को बताएगा, बस थोड़ा सा उल्टा होगा, ठीक है। एक जो है वो 2 लोगों को बताएगा, फिर वो 2 लोग किसी और 2 को बताएंगे, फिर वो 4 लोग और किसी 2 बंदे को बताएंगे, मतलब एक तरह से आपका क्लस्टर फॉर्म होते जाए, ठीक है। एक एक झुंड में इंफॉर्मेशन पास ऑन होती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी वही सीन है कि एक को नहीं पता है कि कितने लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन होती जा रही है, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन उसे बाद में पता चले, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ पर जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आइस बकेट चैलेंज का, तो आइस बकेट जिसने स्टार्ट किया था, जितने लोगों को डोनेशन आ रहे थे तब पता चल रहा था ना कि कितने लोग आइस बकेट चैलेंज फॉलो कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे उसने जब अपने पेज पे देखा होगा तब उसे पता चल रहा होगा कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आइस बकेट चैलेंज, लेकिन उसे ये इंफॉर्मेशन, अदर देन अगर सोशल मीडिया नहीं होता या उसे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहे होते, तो उसे ये नहीं पता चलता कि कितने लोगों तक वो क्लस्टर में इंफॉर्मेशन जा रही है। आई होप एवरी वन अंडरस्टैंड ऑल द टाइप, सारे टाइप्स आप लोग समझ गए हैं। किसी को भी किसी टाइप में अगर प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, ठीक है। पहला आपका सिंगल स्ट्रैंड चेन है, एक साथ एक ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोथ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है, जस्ट रिमेम्बर। गॉसिप चेन में होता है कि एक एपिसेंटर रहता है, यानी एक पर्सन बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी चेन में रैंडमली किसी को भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ओके। और क्लस्टर चेन में आपका झुंड में, मतलब एक ने 5 को बताया, एक ने 2 को बताया, इस तरह कम्युनिकेशन इज एंड डेटन है। वियंस इसका मतलब होता है कि ऑफन ड्यूरिंग इनफॉर्मर जितने भी हैं करता है। मान लीजिए ए को प्रॉब्लम हो रही है कि उसे आ, 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 उसका जो लीडर है वो अच्छा नहीं है, वो थोड़ा सा
वो फ्रेंड क्या हो सकते दूर रहो, ठीक है, जब कम्युनिकेशन जो अगर इम्पोर्टेंट नहीं बात नहीं करो सीधा बात करके छोड़ो, ठीक। तो वो इशू कब उसे रिजॉल्व होंगे, जब कोई बताएगा उसे और वो किसी को ये इन प्रॉब्लम्स बताएगा कि ऐसा उसके साथ हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं जब उन, ये एक तरह का आपका कह सकते हैं कि एडवांटेज है आपका ग्रेपवाइन का। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हों, चाहे एक ही डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज हों, उन सभी के बीच अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, मान लीजिए कि अगर मेरे डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर उसे फॉर्मल तरीके से सॉल्व किया जाए तो मुझे जिसको जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को टेस्टिंग डिपार्टमेंट से कुछ कम्युनिकेशन करना है या टेस्टिंग को मैन्युफैक्चरिंग से कुछ कम्युनिकेट करना है, तो फॉर्मली अगर कम्युनिकेट करना होगा तो मुझे टेस्टिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है उससे बात करनी होगी, फिर जूनियर से बात करेगा, फिर वो अपने जूनियर से बात करेगा, तो जिसने गलती की वहां तक बात पहुंचेगी, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। उससे बेटर क्या होगा कि मैं अगर जानता हूँ टेस्टिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं हूँ तो मुझे पता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कौन है, तो मैं उसे डायरेक्टली जाके पूछूंगी, अरे ये वाला जो पार्ट है ये कौन मैन्युफैक्चर करता है, इसमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। भले ही वो मैन्युफैक्चर ना करता हो लेकिन वो जिसके साथ बैठता है उसे पता है कि कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो उसे इनफॉर्मली बता देगा कि अरे तुम्हारा ये पार्ट में ना इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी कम्युनिकेशन से, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसा कि मैंने कहा जो हम सिंगल स्ट्रैंड में एग्जांपल लिया था, कम्युनिकेशन क्या हो रहा था कि कुछ लोगों को हो सकता है निकाला जाए, ए टू बी कम्युनिकेशन गया कि जो नए इंटर्न्स हैं उनको निकाला जाएगा, बी टू सी कम्युनिकेशन गया। अब कम्युनिकेशन ग्रेपवाइन में क्या होता है, इनफॉर्मल है, यानी के इसके बेस नहीं है, वो निकाले जाएंगे सारे के सारे, ऐसा बस सोच रहा है जो ए है पर्सनल ओपिनियन है, वो फिल्टर होते जा रहा है, वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आते जा रहे हैं, उसके हो पा रहे कुछ भी। तो अगर मैंने कोई, मैं इन को बता रही हूँ कि हो सकता है कि किसी को निकालना पड़े, वो चलना चाहिए पहला जो रिस्क है उसको कहता है कि क्या इन इंफॉर्मेशन पता चले जो कि बीज तुम ले बोल सकते हो, बट कितने लोग वो फॉलो करेंगे, अगर उनको बताना होगा तो वो तो बताए, राइट। तो वो जो प्रोसीजर होगा वो आपका फुल होता ही जाएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपके आगे एक पैराग्राफ आए गए हैं, सेंटर कर दूंगी टाइम और का लिखी गई है यहाँ पर, मैं समझी हूँ अगर कोई इशू है रिगार्डिंग कुछ। जो है
नुकसान हो सकता है ना मैम, तो ग्रेवेंस नहीं, जैसे मैं एज ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट, मतलब क्यों जो है ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेपवाइन होता ही क्यों है, ये इस रीजन है। ठीक है, इसमें से हम कल भी डिस्कस कर लेंगे, अभी तो टाइम हो गया है। अगर कोई डाउट भी होगा तो वो पर्टिकुलरली कल पूछ लेना, ठीक है। और एक दो तीन टॉपिक्स हैं जो आपको, पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी है, छोटा टॉपिक है, उसको भी खत्म कर देंगे। दो तीन और टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं। तो हमारा यूनिट 3 जो है वो नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट, एटलीस्ट इस वीक तक यूनिट 3 भी खत्म हो जाएगा। ओके, जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना। तो दिस यस। ठीक है।